टांडा पुलिस और धार क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। धार जिले में लगातार हो रही लूट डकैती व चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में धार जिले में चलाई जा रही मुहिम में लगातार सफलता मिलती ही जा रही है। जिले में लुटेरों और डकैतों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, टांडा पुलिस और धार क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में 3 ऐसे आरोपियों को धर दबोचा गया जो पूर्व में लूट डकैती व चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे, जिसके पास से लूटे गए नकदी मोबाइल सामान और मोटरसाइकिल भी बरामद की। रास्ते में खड़े आरोपी भारत कमलेश व संजय को टांडा थाना लाया गया और शक्ति से पूछताछ की गई, तो उन्होंने पूर्व में की गई चोरी लूट डकैती का भी एक एक करके खुलासा कर गए। टांडा पुलिस और क्राइम ब्रांच के मामले को ट्रैक किया है। करीब 15 दिन पूर्व एक बकरा खरीदने वाले व्यापारियों के साथ लूट हुई थी, जिसमें उनके ड्राइवर के आम में लूटी रोक कर 6 लोगों ने लूट की थी 2 मोटरसाइकिल पर। इस मामले को ट्रैक करते हुए आज उसमें 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है, जिसमें करीब 1,00,000 का मशरूबा गया था, जिसमें से 38,000 रुपये कवर किए गए और अपराध ने ब्रेक की 1 मोटरसाइकिल को पुलिस द्वारा, जिनमें एक अपराधी मेन अपराधी चंदू है, जिसके आगुआ में स्थायी वारंट और पुराने मामले हैं।